सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों सुबह सुबह अपनी 7 बजे कार स्टार्ट हो चुकी है। आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर हमारे गांव शोलापुर महाराष्ट्र, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएंगे। सुबह 7 बजे निकले, शाम को 7 बजे मुंबई स्टॉप लेंगे। मेरी जो साली का घर है वहाँ पर हम स्टॉप लेंगे, ओवरनाइट वहाँ पर स्टे करेंगे। उसको नेक्स्ट डे दोबारा हम 6 बजे वहाँ से भी निकल जाएंगे और दोपहर में 3-4 बजे तक हमारे गाँव शोलापुर पहुँच जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सुल्तान है, आयत है, आयत की मम्मी है, सब लोग हम जा रहे हैं। चलिए, पहली बार इस तरह कार से इतना दूर जा रहा हूँ, फैमिली को साथ में लेके। कार वगैरह अपनी पूरा इंटीरियर वॉशिंग एक्सटीरियर वॉशिंग करा के पूरा सर्विस वर्विस कर दिया है, सब पूरा ज़बरदस्त हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। और देखिए दोस्तों, इसको किसी ने मतलब सिखाया नहीं है कि इस तरह सीट बेल्ट लगाना है, बस वो फ़ोन में कार्टून्स वगैरह देखता है तो उसमें वो लोग बच्चे लोग लगाते हैं, तो इसलिए लगा था। अब्दुल बारी का वगैरह देखता है कार्टून। आयत भी देखिए, हाई करो बेटा, हाई करो। ओके दोस्तों, हमारे घर के पास ही जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे डीजल भरवाने रुका हूँ, अभी अपने फुल करवा लेते हैं। फुल कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे 3 पॉइंट तो अभी है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फुल करवा लेते हैं। भैया फुल कर दो। अहमदाबाद में वैसे 92.17 रुपीज़ प्राइस चल रहा है पर लीटर, महाराष्ट्र में ये कॉस्ट 7 से 8 रुपये मुझे एक्स्ट्रा लगेगी, तो यहाँ से ही फुल करवा लूँगा। बीच में गुजरात ख़त्म होने के पहले भी थोड़ा बहुत करवा लेंगे। भैया ने देखने को कहा 0 और चालू कर दिया है। 41 लीटर की टाकी है और ऑलरेडी 3 पॉइंट तो आ रहे थे अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे है, तो 100 किलोमीटर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सप्रेस हाईवे से जा सकते हैं। होप सो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए तो बड़ा मज़ा आएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर तो। दोस्तों वडोदरा का एक्सप्रेस हाईवे जस्ट पूरा हो गया, यकीन मानिए हमने 40 मिनट्स में 100 किलोमीटर काट लिया, मतलब ज़बरदस्त है एक्सप्रेस हाईवे, प्रॉब्लम नहीं आई वैसे हमको यहाँ पर। अभी पीछे की मैं डिग्गी विग्गी खोल रहा हूँ, थोड़ा सा सुल्तान के लिए हगीज़ लेना है मुझे, सुल्तान आयात के लिए, शायद आगे से मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। ये सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। दोस्तों वडोदरा के आगे थोड़ा सा होटल लेजेंड है, वहाँ पर ये फूड कोर्ट है, वहाँ पर रुके हुए सुल्तान को कुछ दिला देता हूँ। और बारिश भी हल्का सा स्टार्ट हो गया है। क्या चाहिए? फुग्गा नहीं मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों हमने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली यहाँ पे, थम्सअप ले लिया और इसके अंदर लेस कुछ जेम्स मेंटोस पोलो च्युइंगम सब ले लिया, लेकिन लास्ट में इसको ये चाहिए था, एलोवेरा का ये कुछ पल्प है, लाल कलर की बोतल देख के जिद कर रहा था, इसीलिए इसको ये भी दिला दिया। लाल कलर इसको ज़्यादा अच्छा लगता है ना सुल्तान? सुल्तान गाड़ी कौन से कलर की लेने का? लाल कलर की। अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भरूच के टोल टैक्स पे, काफ़ी बढ़िया है रोड, काफ़ी अच्छा मिला, कोई दिक्कत नहीं आई, फटाफट भरूच तक आ गए। दोस्तों 10:15 बज रहे हैं, देख सकते हो एग्जैक्टली 8 बजे मैं निकला था घर से, यानी कि मैं 2 घंटे 15 मिनट के अंदर भरूच के टोल टैक्स तक भी आ गया। अब दोस्तों फेमस जो है नर्मदा नदी स्टार्ट हो चुकी है। हर बार मैं आपको बाय ट्रेन दिखाया करता था, पर इस बार बाय कार अपने जा रहे हैं। वो देखिए उस साइड से, मतलब ट्रेन का रास्ता उधर है, हैवी व्हीकल्स को उस साइड जाना होता है, अगर आप कार लेके आ रहे हो तो आपको लेफ्ट में टर्न करना होता है, वरना बहुत लंबा चक्कर काट के दोबारा आना पड़ेगा। मुझे एक जन ने बता दिया था तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ चिकली में, जहाँ पर मैं 2-3 महीने पहले आया था फार्म का वीडियो बनाने के लिए, ममानियत फार्म पे, देखिए वो रहा सामने एग्जैक्टली, यहाँ पर रुका हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे चाय पानी करके फिर यहाँ से आगे निकलते। सामने कुछ बत्तख कुछ हंस आपको मैंने दिखाए थे, बड़ा अच्छा माहौल था, ये उनका बंगलो है, थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, कार भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी वहाँ तक, काफ़ी देर से कंटिन्यू बहुत लंबा चला लिया हमने। दोस्तों फिर मैं आ गया था अंदर, यहाँ पे इनके रूम में बैठा हूँ अंदर, और लास्ट टाइम आपको मिलाया था मैंने ब्लॉग में, आपको मैंने दिखाया था अंकल सोहेल भाई के जो फादर है वही है, अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, यहाँ पर सब हैंडलिंग करते हुए है। फार्म के अंदर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिटेल में वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लीजिए। और मेरा प्लान चल रहा है दोबारा जब मैं सोलापुर से रिटर्न हूँगा तो एक आध बार और वीडियो बना लेंगे, क्योंकि अभी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है, जावा की लवबर्ड्स की सबकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है। झूलो झूलो सुल्तान, अच्छा लग रहा है सुल्तान? यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाई करो फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स को हाई करो जल्दी, शर्मा रहा है, हाई करो फ्रेंड्स को, हाई करो जल्दी, हाई करो सुल्तान। दोस्तों हर बार की तरह ममानियत फार्म की मेहमान नवाजी एक नंबर होती है। देखिए अभी चाय आ रही है और छोटे समोसे आ गए, ये एक चीज़ है, ये आई है, बिस्किट वगैरह आए, सुल्तान को ओरियो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सुल्तान ओनली 1 और 2 बेटा, सिर्फ 1 या 2 काउंट करके यहाँ रख दो जल्दी, हाँ काउंट करके यहाँ रख देगा वो।
दोस्तों फिर वहाँ से हम लोग निकल गए अभी सीधा यहाँ से लगभग 222 किलोमीटर है जहाँ पे हमको जाना है, जहाँ पे हमारे को स्टॉप लेना है जो मेरे साली का घर है। 222 किलोमीटर है तो कंटिन्यू ड्राइव करेंगे। दोस्तों सोचा रास्ते के थोड़े नज़ारे आपको दिखा दूँ। सामने देखिए बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं अभी, और 6 लेन का हाईवे ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है और बहुत ही कम ट्रैफिक है यहाँ पर, लेकिन अब तक तो बहुत ट्रैफिक था। वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म होने के बाद से बहुत ट्रैफिक था, अब जाके हाईवे ख़त्म हुआ है, वैसे ही बस आने ही वाला है और पहाड़ बड़े बड़े स्टार्ट हो रहे हैं आगे। देखिए दोस्तों मैं जिसकी बात कर रहा था वो बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे आ गए, और कुछ इस साइड भी है, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार नज़ारा है। सुमसाम रोड है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो वाला पहाड़ देखिए सामने, दोस्तों अभी जो है हम मुंबई के अंदर एंटर हो चुके हैं। नॉर्मल इस तरह से चेक होती है गुजरात की गाड़ी वगैरह आती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा लेते हैं, लाइसेंस वगैरह और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सब आपके पास होना ही चाहिए, बेसिक रूल्स होता है ये। अहमदाबाद, अहमदाबाद से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं, वाशी जाना है, वाशी जा रहे हैं अहमदाबाद से। इधर ऐसा इतना लंबा साली है, दोस्तों फाइनली उतर गए हम यहाँ पर और सब ये आ गए, मरियम आ गई, आसिया आ गई और आयु को ले लिया उसने। सुल्तान उतरो बेटा, चलो आ गया, चलो उतरो, इसको नहीं उतरना है, उतर जल्दी उतर, आ गया।